नंद बाबा प्रसुभान बाबा से बोले, महाराज अब तो हमारे वृंदावन में हूं, बड़ो उत्पात है वे लग गए। प्रसुभान बाबा बोले, एक पर्वत पर हम रहते हैं, दूसरे पर तुम आ जाओ। आपको एक बात बताएं हिमाचल वालों, तुम यही मत समझना हमारे यही पर्वत है, तुम्हारे यहाँ तो ये पानी वाले पर्वत हैं, गैस वाले परिवर्तन पर्वत हैं, है ना? पर हमारे यहाँ जो है ना, स्वयं कृष्ण के स्वरूप गिरिराज पर्वत है, स्वयं ब्रह्मा के स्वरूप ब्रह्माचल पर्वत हैं, और भोलेनाथ के स्वरूप नंदगांव में शिव पर्वत है। हमारे यहाँ भी पर्वत है, जो नंदगांव का पहाड़ है ना, ये भोले बाबा का स्वरूप है। जैसे ब्रह्मा भोले बाबा के ऊपर चंद्रमा है, इसी प्रकार से यह पहाड़ है। और आप आएंगे बरसाना तो ये ब्रह्मांचल है, जैसे ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, ऐसे इनके भी चार मुख हैं। आप आओ गोवर्धन, जब आप गोवर्धन आओगे तो गोवर्धन में ये गिरिराज श्री कृष्ण स्वरूप है। किसका स्वरूप है? अब इनका स्वरूप आप लोग जाते हैं पर पता नहीं होगा। अब गिरिराज के स्वरूप के बारे में तो ब्रजवासी ही बता सकते हैं। राधा और कुंड कृष्ण कुंड है ना जी, राधा कुंड और कृष्ण कुंड, ये राधा कृष्ण के माने गिरिराज जी के ये चरण कमल है, चरण। उद्धव कुंड है, वह गिरिराज जी का टकना है। नारद कुंड घुटना है, और महाराज जो कुसुम सरोवर है ये कटी भाग है। मानसी गंगा हृदय भाग है, चकलेश्वर पेट है, दान घाटी कंठ है, और आने और कान है, पूछरी का लोठा मस्तक है, और जतिपुरा हमारे गिरिराज बाबा का मुखारविंद है। बोली गिरिराज धरण की, गिरिराज जी का स्वरूप ऐसा है। अब पूजा बंद करके महाराज नंदगांव में पधारे, इंद्र को पता लगा, सांबर तक मेघ बुलाया, बोले जाओ और ब्रज को पनिया ढा रख। चारों ओर से बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी, मेघ बरसने लगे। सब हमारे नंद बाबा के पास आए, और नंद बाबा लेकर कन्हैया के पास गए, और हमारे कन्हैया ने जो जा की शरण बसे ताको ताकी लाज। हमारे कन्हैया ने देखते देखते बाएं हाथ की छोटी उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठा लिया। बोलिए गिरिधारी भगवान की जय।